भाई लोग जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अपना सड़ा हुआ शकल लेके आप लोगों के सामने फिर से आ चुका हूँ। तो यार मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बंदों का मेरे पास कमेंट्स आ रहा था कि भाई कुछ नया टेम्पलेट वीडियो बनाना सिखाओ। तो यार मैं आपको आज बहुत ही कमाल का टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा, टेम्पलेट वीडियो बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? तो यार पहले आप उस वाले वीडियो को देख लो। देख लिए वीडियो। अगर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का टेम्पलेट वीडियो बनाना सीखना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, वीडियो को फटाफट एक लाइक करना होगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब करना होगा, और आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर उसको बस आप कुछ तरह से आप ओपन कर लीजिए। तो चलिए, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा होने वाली है, तो यार चलिए मैं अपना ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ, चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करके रखा हूँ। अब आपको बीच में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस बारे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर दोस्तों 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपको दोस्तों एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को खींच के कुछ इस तरह आपको बढ़ा लेनी होगी। बढ़ा लेने के बाद आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह फर्स्ट तरफ आपको आना है। आने के बाद आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने इस वाले वीडियो एडिटिंग में जितने सारे फोटो वीडियो और PNG का जरूरत पड़ेगा मैंने इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप उन सारे इक्विपमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको सबसे पहले आपको जो कपल का फोटो का PNG आप डाउनलोड किए थे उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करना होगा। तो यार उसको सिलेक्शन करने के लिए आपको जो राइट साइड में यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा, और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है, और यहाँ से आपको उस वाले फोटो को सिलेक्शन कर लेनी होगी। देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब कुछ इस तरह से इसको आप इस साइड में लाइएगा, लाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बड़ा कर देना होगा, और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों पकड़ के कुछ इस तरह से आप यहाँ पर फुल में कर दीजिएगा, यानी एंड तक कर दीजिएगा। अब दोस्तों फिर से आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों अभी आपको सेम इसी तरह से आपको लेयर में क्लिक करके मीडिया पर सिलेक्शन करके आप जो हार्ड का PNG डाउनलोड किया था उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा हार्ट का PNG है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब कुछ इस तरह से आप इसको छोटा कीजिएगा, और यहाँ पर बीच में आप इस जगह आप इसको एडजस्ट कीजिएगा कुछ इस तरह से, और आपको क्या करना होगा इसका भी ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक कर देनी होगी। अब दोस्तों फिर से आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना है। आने के बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले टेक्स्ट में क्लिक करना है, और दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होगा आई, और आपको यहाँ से ओके करनी होगी। अब दोस्तों क्या कीजिएगा कुछ इस तरह से बड़ा कीजिएगा। अब दोस्तों इस वाले आई के कलर का जो है इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ ब्लैक करना होगा, और इसके लिए आपको जो व्हाइट दिख रहा होगा इस वाले व्हाइट में क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप ब्लैक कलर सिलेक्शन कर लीजिएगा, और इस वाले ए में क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको दोस्तों स्टोर में चले जाना है, वहाँ से फ्रेंड्स डिस्प्ले में जाके इस वाले फॉन्ट को आपको डाउनलोड कर लेना होगा, और यहाँ से अभी आपको इस वाले फॉन्ट को आपको सिलेक्शन करना है, और आपको यहाँ से ओके कर लेनी होगी। अब दोस्तों आपका जो फॉन्ट है इसमें फ्रेंड्स आपको आउटलाइन लगाना होगा, तो उसके लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक आउटलाइन का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस बार आउटलाइन में क्लिक करके कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे इसको इनेबल कीजिएगा, इसको व्हाइट कर दीजिएगा आप कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ से ओके करना होगा। इसको फ्रेंड्स आप यहाँ पे दो पे रखिएगा, बस दो पे, और आपको यहाँ से ओके कर लेनी होगी, और इसका ड्यूरेशन का भी आपको वीडियो के एंड तक कर देना है। अब दोस्तों सेम इसी तरह से आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा, इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लीजिएगा, और उस वाले डुप्लीकेट के दोस्तों इस वाले कीबोर्ड में क्लिक करके अब दोस्तों आप यहाँ पर टाइप करके लिखिएगा यू बोल के, कुछ इस तरह से आप ये यहाँ पे यू लिख लीजिएगा, और आपको यहाँ से ओके कर लेनी होगी। अब दोस्तों आप उस वाले यू को पकड़ के कुछ इस तरह से आप यहाँ पर नीचे लाइएगा, देख सकते हैं जिस प्रकार मैंने किया है सेम टू सेम आप भी कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या बोले तो आपका जिसका भी दोस्तों आप यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं उसका नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके लिए भी फ्रेंड्स आप इसी वाले लेयर में क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में क्लिक करके अपना गैलरी अपने यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है उसको आप टाइप करके लिख लीजिएगा, और आपको क्या करना है सेम इसी तरह से इसको बड़ा करना होगा। इसका भी दोस्तों आपको कलर को आपको ब्लैक कर देनी है, और इसका भी फ्रंट को फ्रेंड्स आप उसी तरह से आप यहाँ पर डिस्प्ले क्लिक में क्लिक करके इसी वाले फ़ॉन्ट पर आप सिलेक्शन कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं जिस प्रकार मैंने किया है सेम टू सेम आप भी कुछ इस तरह से कर लीजिएगा, और इसका भी ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में फिर से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दोस्तों आप जो किंग का कैप डाउनलोड किए थे उसको अभी आपको सिलेक्शन कर लेनी होगी कुछ इस तरह से, देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से इसको छोटा कीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको हल्का सा आपको टेढ़ा करके इस जगह पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देनी होगी। अब आपको इसका भी ड्यूरेशन का वीडियो के एंड तक कर देना है। गाइस यहाँ पर जो मैंने ए का जो टेक्स्ट लिखा है इसमें फ्रेंड्स मैंने आउटलाइन नहीं डाला है, तो अभी क्या करता हूँ मैं इसमें आउटलाइन डाल लेता हूँ। अभी गाइस कुछ इसी तरह से इसको इनेबल कीजिएगा, यहाँ पर व्हाइट कलर सिलेक्शन कीजिएगा,
और आप यहाँ पे कुछ इस तरह दो पे रख के दोस्तों आपका जो टेक्स्ट होगा नाम का उसको फ्रेंड्स यहाँ पे दे दीजिएगा आउटलाइन। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो आप वीडियो डाउनलोड किए थे उसको अभी आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके लिए भी सेम आप इसी वाले लेयर में आप क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कीजिएगा और यहाँ से दोस्तों आपको अभी उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन कर देना है। जैसे आप इसमें सिलेक्शन करेंगे आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है देख सकते हैं, इसको फ्रेंड्स आपको रिमूव करना होगा। इसके लिए गाइस आपको जो राइट साइड में यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप सिलेक्शन कर दीजिएगा। अब दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड का जितना ड्यूरेशन रहेगा आपको क्या करना है, आपका वीडियो का भी ड्यूरेशन आपको उतना ही रख लेना होगा। कुछ इस तरह देख सकते हैं इतना दूर मैंने रख लिया है। इस तरह से गाइस आपका जो स्टेप वन का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर में क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक बार एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है, अब आपको बैक करके आना है बाहर। फिर से गाइस आप इसी वाले न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर गाइस आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अब दोस्तों आप यहाँ से एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड का आप सिलेक्शन कीजिएगा और इस वाले ब्लैक कलर के ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से आप खींच के आप बढ़ा लीजिएगा। बढ़ा लेने के बाद आपको जो राइट साइड में लेयर का ऑप्शन है इसी वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है और यहाँ से गाइस जो फाइल आपने अभी अभी आप एक्सपोर्ट किए हैं उस वाले फाइल को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फाइल है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। और दोस्तों देख सकते हैं इसको जोश में मैंने जो ज़्यादा ही बड़ा इसका बैकग्राउंड को बना लिया, तो अपने वीडियो के बराबर में कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो फाइल आप फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करके सिलेक्शन किए इसका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी क्रोमाकी निकालना होगा। क्रोमाकी निकालने के लिए आपको जो राइट साइड में यहाँ पर क्रोमाकी का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले क्रोमाकी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस जो आपको की कलर सिलेक्शन करना होगा वो गाइस आप कुछ इस तरह से आप व्हाइट कलर सिलेक्शन कर लीजिएगा और आपको यहाँ से इनेबल कर देनी होगी और कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा। एडजस्ट देख सकते हैं जिस प्रकार मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेम टू सेम आप भी गाइस कुछ इस तरह से इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से अब दोस्तों आपको क्या करना है फिर से आपको लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है और यहाँ से दोस्तों आपने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो आप बॉर्डर डाउनलोड किए थे उसको आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेनी होगी और उस वाले बॉर्डर को दोस्तों इसी वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा और इसका भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर ब्लेंडिंग में क्लिक करके आप स्क्रीन पर आप सिलेक्शन कर दीजिएगा। अब दोस्तों अपना वीडियो को अगर आप दोस्तों शुरू से आप प्ले करके देखोगे तो आपका वीडियो गाइस अभी कुछ इस तरह से दिखेगा। रुकिए मैं यहाँ पर पहले ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो यार कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। देख सकते हैं जो आपका वीडियो है अभी कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का दोस्तों वीडियो आप बना सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हार्ट का इफेक्ट लगाना चाहते हो तो आपको जो लेयर का ऑप्शन है इस वाले लेयर में आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्टिकर पर आप क्लिक करके 3D हार्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, आप गेट मोर में चले जाके ये जो 3D हार्ट है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको यहाँ से क्लिक कर देना होगा कुछ इस तरह से। और आप क्या कीजिएगा कुछ इस तरह छोटा कीजिएगा इसको यहाँ पे और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन कर दीजिएगा और इसका ड्यूरेशन का वीडियो के एंड तक कर देना है। देख सकते हैं जो मेरा वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आपको जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बजा के आप वहाँ पे ऑल कर दीजिएगा। अब दोस्तों बिना किसी तरीके चले वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं। बाय बाय।